बैंड वैगन बायस आपको गुमराह कर सकती है। अगर बहुत से लोग एक काम कर रहे हैं, आपको लगता है वही काम सही है, आप भी वही काम करने लगते हैं। क्या वो काम असली में सही है, आप चेक नहीं करते। अगर एक मीटिंग में 50 लोग हैं और 40 लोगों ने एक ही चीज में सहमति दे दी, अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप भी 40 लोगों की सहमति में सहमत हो जाएंगे। अगर आपके 15-20 फ्रेंड एक ही स्टॉक खरीद रहे हैं, आप भी वो स्टॉक खरीद लेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप का डिसीजन सही हो सकता है, मगर हमेशा सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए देखिए कहीं आप बैंडवैगन बायस के शिकार तो नहीं हैं।